चार्जिंग केबल है टाइप सी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको साइड में यहाँ पे कहीं पे भी आपको सिम जो डालने का होता है वो नहीं मिल गया, यहाँ पे आपको नीचे सिम डालने का मिल जाएगा। यहाँ पे एक स्पीकर दे रखा है, यहाँ पे एक माइक्रोफोन है और यहाँ पे एक स्पीकर और माइक्रोफोन है ऊपर, ओके। और यहाँ पे लिखा है डिजाइन फॉर ओप्पो, देख पा रहे हैं डिजाइन फॉर रेनो, फॉर रेनो ओके सॉरी ओके। तो अभी तो ये आ गया पूरा फोन हमारे हाथ में। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके थे, फोन पूरा बूट हो चुका है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो कितनी अच्छी जो कर्व्स थे वो कितनी अच्छी लग रही है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे एक सेल्फी कैमरा दे रखा है मेरे घर से। और यहाँ पे अभी रुको, मैं अभी साइन इन कर लेता, साइन इन कर लेता अपने गूगल अकाउंट में, सब जो चीज़ें हमको नीड रहेगी वो सब डाउनलोड करके बाद आ सकते हैं। तो भाई अभी मैंने सिम पे इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पे आ चुका है फुल नेटवर्क, ये आइडिया का सिम है, वी आई का प्रमोशन। और यहाँ पे मैंने सब साइन इन कर लिया और मैंने छोड़ा ऐप्स डाल रखे हैं और यहाँ पे छोड़ा अमेजोन और सब डाल रखा है मैंने, काम की चीज़ें होती हैं ओके। तो यहाँ पे अगर गेमिंग की भी बात करेंगे हम उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी अगर हम फ़ोन की बात करें तो बहुत ही स्मूथ चल रहा है, 90 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अगर हम सेटिंग्स में जा के देखें तो यहाँ पर डिस्प्ले में होगा
कि यहाँ पे आपको डार्क मोड का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपको मतलब कुछ ही सेकंड में डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, लेकिन हमको भी लाइट ही लगना है, लाइट ही अच्छा लगता है मुझे। ओके, यहाँ पे आई कम्फर्ट ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे ऑटो स्क्रीन ऑफ का सेटिंग्स दे रखा है। ओके, यहाँ पे आपको स्क्रीन कलर टेम्परेचर दे दूंगा डिफॉल्ट वार्म और कूल। ओके, अभी हम इसके कैमरा में जाते हैं क्योंकि इसकी कैमरा में बहुत ही ज़्यादा बात है। इसकी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको अगर डुअल जो इसका जो इसमें ही जो मोड आया है, जो आप सेल्फी कैमरे को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और डुअल वीडियो जो ये ऑप्शन है उसमें आप सेल्फी कैमरे को और जो रेयर कैमरा उसको भी साथ में रिकॉर्ड कर पाएंगे। मतलब आप ब्लॉगिंग के लिए ये कैमरा बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से, अगर अभी आप स्टार्टर है तो। आप देख पा रहे हैं एक साइड आ रहा है हमारा सेल्फी कैमरा और दूसरी साइड आ रहा है हमारा रेयर कैमरा, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है मुझको लगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और अगर मोड में जाएंगे तो यहाँ पे एक पैनारोमा टाइप में स्पीकर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, स्लो मोशन एक्स्ट्रा एच डी मैक्रो लेंस भी मिल जाएगा। प्रो एक्सपर्ट मोड तो होता ही ज़्यादातर परफॉर्मेंस में, सोलो टेम्पलेट्स और यहाँ पे एक नया सा जो अलग सा फीचर आया है ओप्पो के नए फोन आ रहा है उसमें, यहाँ पे सोलो एक नया ऑप्शन आया है और रिलैक्स उसमें क्या रहता है मतलब जो अर्थ की मतलब कुछ ऐसा ही होता है लिसन करने का होता है। हाँ, रश की शोर बाद में जंगल के वॉइस होते हैं जो आपको मतलब रिलैक्स अगर आप मेडिटेशन या कोई यूज़ भी कर पाओगे इस चीज़ों के लिए, तो और तो कुछ नहीं रहता है इसमें। मेरे ख्याल से जो नेटवर्क का डिफरेंशिएटर है बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और इसमें 8 GB रैम से मतलब आपको कुछ मतलब जो लैगिसनेस वो आपको नहीं देखने को मिलता। आप देख पा रहे हैं कितना फास्ट हो रहा है यहाँ पे। और अगर आपको इसकी स्पेसिफिकेशन देखनी है, अगर आप इसको कैमरा स्पेसिफिकेशन आपको कैमरा का इसके जो टेस्ट है वो चाहिए, तो मैं कल दूसरे एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको गेमिंग स्पेसिफिकेशन और वीडियो स्पेसिफिकेशन सब डाल दूंगा। तो चलो मिलते हैं दूसरे नई वीडियो में, टिल देन बाय।